अस्सलामु अलैकुम, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर जिसका नाम है डिजर्ट कैड एंड कंस्ट्रक्शन। आज के इस वीडियो में आपको एक 20x40 का दो प्लान बताने वाला हूँ, जिसमें आपको दो ऑप्शन भी कर सकते हो। अगर 20x40 में आप कोई प्लान सर्च कर रहे हो तो ये प्लान आपके लिए बहुत यूज़फुल हो सकता है, क्योंकि उसमें मैं आपको दो ऑप्शन शो कर रहा हूँ। आप चाहे तो इसको फाइनल कर सकते हो या फिर उसको फाइनल कर सकते हो, दोनों आपको मैं शो करूँगा इस वीडियो में, जो उम्मीद है आपके कुछ काम में ज़रूर आएगा, आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो चलिए डायरेक्टली आपको प्लान की डिटेल वगैरह आपको एक्सप्लेन करता हूँ। प्लान शो करने से पहले और एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको ये कहना ज़रूर चाहूँगा कि अगर आप नए व्यूवर्स हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो जो भी अपलोड हो वो आपसे मिस ना हो। अगर आपको कोई पर्सनल प्लान वगैरह बनाना हो तो मुझे आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। प्लॉट की डिटेल्स और रिक्वायरमेंट क्लियरली बता देता हूँ, आने वाले वीडियोज़ में इंशाल्लाह मैं आपको प्लान बना के ज़रूर शो करूँगा। पर्सनली प्लान के लिए कुछ नॉर्मल से चार्जेस है, वो आप मुझे कांटेक्ट करके पूछ सकते हो। तो चलिए डायरेक्टली आपको प्लान शो करता हूँ। तो ग्राउंड फ्लोर का ये प्लान है। आपको इस प्लॉट को दो तरफ रोड है, एक फ्रंट साइड एक यहाँ पे राइट साइड। उस प्लॉट को भी सेम कॉर्नर प्लॉट है, वो भी उसको भी दो तरफ रोड है। तो यहाँ पे देखिए फ्रंट साइड, यहाँ पे मैंने कुछ बेसमेंट के स्टेप्स और यहाँ पे पार्किंग के लिए एक बाइक, एमरजेंसी के लिए मैंने स्पेस रखी है। यहीं पे स्टेयर्स है जो कंटिन्यूसली फ्लोर कंटिन्यू होंगे, और यहीं पे मेन एंट्रेंस डोर है, और यहाँ पे यह हॉल है। डायमेंशन वगैरह आप इसमें देख सकते हो, मैं आपको डिटेल में इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा, वीडियो वरना लेंदी हो जाएगा। आप प्रीवियस वीडियो जो देखना चाहते हैं, मैं इस वीडियो के लिए डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दूँगा, आप वहाँ पर जाके उसको देखिए, मैंने काफ़ी डिटेल में उसको एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ पर देखिए ये जो हॉल है, हॉल के इस तरफ दो आर्च है जो डायरेक्टली आपको किचन में आने के लिए है, और यहाँ पे पैसेज में जाने के लिए है। पैसेज में जाने के बाद में आपको काफ़ी डोर्स लगेंगे, एक ये बेडरूम का और एक कॉमन टॉयलेट का, और यहाँ पे मास्टर बेडरूम का। आप देख सकते हो इसमें डायमेंशन क्लियरली आपको लिखा हुआ है, ये बेडरूम में टॉयलेट अटैच है। और इस तरफ मैंने एक डक लिया है जो इस बेडरूम के लिए, इस बाथरूम के लिए वेंटिलेटर लेना ज़रूरी था, तो यहाँ पे मैंने डॉक्टर प्रोवाइड किया है, क्योंकि ये साइड और बैक साइड टोटल जगह ये अपनी यूज़ है, कट टू कट ये पूरी जगह 100% यूज़ किए गया है जो क्लाइंट के हिसाब से है। क्लाइंट अपनी प्लॉट टोटल यूज़ करना चाहते थे, ज़रा भी वेस्टेज नहीं करना चाहते थे, इस वजह से ये पूरा का पूरा बैक साइड यूज़ है। और इस तरफ तो रोड है, इस तरफ तो पूरा फेस टू फेस अपने प्लॉट को लिया गया है। तो इसमें साथ ही साथ आपको कॉलम भी शो हो रहे होंगे, जैसे कि दिख रहा हूँ आपको स्क्रीन पर, मैंने इसमें 15 कॉलम सेट किया है एज़ पर मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से। और साथ ही साथ इसके डायमेंशन वगैरह भी मैंने शो किया है, सेंटर से सेंटर इसके कितने डायमेंशन हैं ग्रिड के साथ में। जो उम्मीद है अगर ये प्लान अगर फाइनल हो जाए तो इसी हिसाब से ऑन साइड पर आपको ये सेंटर लाइन का जो डायमेंशन वगैरह है वो आपको ज़रूर कम आएगा। अगर इसकी कॉस्ट की अगर बात की जाए तो ये आपको करीब 12 लाख तक इसका कॉस्ट आ सकता है, क्योंकि टोटल ये जगह 800 स्क्वायर फीट यूज़ है। तो अगर नॉर्मल बजट में अगर इस्तेमाल करेंगे तो आपको 12 लाख तक कॉस्ट आ सकता है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हो, आपकी स्क्रीन पर इसको रख देता हूँ। तो चलिए मैं आपको दूसरा प्लान शो करता हूँ जो मैंने काफ़ी दिन पहले अपलोड किया था यूट्यूब में, शायद आपने देखा होगा। दूसरा प्लान ये है, इसमें देख सकते हो आप 40x40 की ये जगह है। तो ये 1600 स्क्वायर फीट की प्लॉट है क्लाइंट की, और क्लाइंट इसमें हाफ पोर्शन बनाना चाहते हैं, हाफ पोर्शन वो एम्प्टी रखना चाहते हैं। तो उसी हिसाब से ये मैंने प्लान बनाया है क्लाइंट के हिसाब से, जो उम्मीद है आपको ये प्लान ज़रूर पसंद आएगा। तो चलिए मैं आपको डायरेक्टली प्लान एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए इस तरफ, इसको भी दो तरफ रोड है,
यहाँ पे भी रोड है 40 के फेस पे और यहाँ पे भी रोड है। जो 40x40 है उसमें 1.5 फीट साइड बैक छोड़ दिया गया है, क्योंकि उस तरफ थोड़ा सा 1.5 फीट साइड बैक छोड़ना ज़रूरी है। 1.5 फीट साइड बैक छोड़ने के बाद में जो रिमेनिंग बच रहा है 38 फीट 6 इंच, उसको डिवाइड किया गया है 2 में। तो ये दो पोर्शन है 40x40 में। तो आपको ये जो दिख रहा है आपको, ये इस वॉल का सेंटर है। सेंटर से यहाँ से यहाँ तक 19 फीट 3 इंच लिया गया है। तो यहाँ पे इसका मेन एंट्रेंस लिया गया है जो इंचड़ा निकले, यहीं पे स्टेयर्स है जो कंटिन्यूसली फ्लोर कंटिन्यू होंगे, और यहीं पर राइट साइड में इसका एक डोर लिया गया है जो हॉल में आने के लिए। हॉल का डायमेंशन भी आप देख सकते हो इस तरफ, और यहीं पे हॉल में इस तरफ सोफा सेट वाला सेट किया गया है। यहीं पे इसका विंडो है फ्रंट साइड, यहाँ पे टीवी के लिए इस वॉल को सेलेक्ट किया है। यहाँ पे एक आर्च है, आर्च से इंसर्ट आने के बाद में आपको किचन के लिए और एक बाथ के लिए और यहाँ पे बेडरूम में आने के लिए वे है। और इस तरफ एक डक लिया गया है ताकि इस तरफ आप अटैच भी देंगे तो यहाँ पे इसका वेंटिलेटर आएगा, और ये एरिया यूटिलिटी वॉश वगैरह करने के लिए ग्राउंड फ्लोर पर आपको मिल जाएगा। किचन भी आप देख सकते हो और साथ ही साथ बेडरूम भी आप देख सकते हो। इसका विंडो यहाँ पे फ्रंट साइड है और इसका यहाँ पे राइट साइड। एक जो एक्स्ट्रा है यहाँ पे, क्लाइंट एक शॉप चाह रहे थे जो मैंने इस कॉर्नर पे उनके लिए शॉप बनाया है जो मैं आपको शो करूँगा। ये देखिए शॉप है, 7 फीट 9 इंच ऐसे में 10 फीट 6 इंच का ये शॉप है। इस तरफ टोटली जगह ये बेडरूम और शॉप में यूज़ हो गया है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहे तो ले सकते हो, आपके स्क्रीन पर इसको रख देता हूँ। तो ये 40x40 का प्लॉट, इसमें दो पोर्शन सेट किया गया है। आप चाहे तो सेम इसका एज इट इज़ का मिरर भी इस साइड ले सकते हो, और 1.5 फीट ये रिमेनिंग फिर भी बचेगा जो उस तरफ विंडो वगैरह के लिए यूज़ में आएगा। तो ये 40x40 में दो पोर्शन मैंने क्लाइंट के लिए बनाए थे। इस तरफ उनका थोड़ा सा प्लान चेंज था बनाने का, लेकिन वो थोड़ा सा होल्ड में हो गया है। तो इनकेस जब बन जाएगा मैं आपको ज़रूर शो करूँगा इस तरफ क्या बनने वाला है। तो उम्मीद है आपको प्लान ज़रूर पसंद आया होगा जो मैंने दो ऑप्शन शो किया है। मैं आपको दोनों स्क्रीन पर रख देता हूँ एट ए टाइम, आप चाहे तो इसको देख सकते हो। तो बस यही बताना था आपको इस वीडियो में। उम्मीद है ये प्लान वगैरह आपके काम में कुछ ज़रूर आए, आपको पसंद ज़रूर आए। पसंद आने पे इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को जिसका नाम है डिजिट कैड एंड कंस्ट्रक्शन। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए प्लान के साथ, कुछ नए डिटेल के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।